हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम एशिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव टेस्टिंग सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली बनाया गया है पीथमपुर मध्य प्रदेश में। ये टेस्टिंग सेंटर क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी, काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा आपको इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको मेरे वीडियोस की लिंक भी मिल जाएंगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पीआईबी की क्लिप है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। इसके मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर जी, जिन्होंने इनॉग्रेशन किया है 29 जून को एशिया के लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड के फिफ्थ लॉन्गेस्ट हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक का, हाई स्पीड ट्रैक का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए। मतलब कि जो कार वगैरह हैं, बाइक, कार, इन सभी का टेस्ट होता है ना, उसी के लिए इसका इनॉग्रेशन किया गया है। इसमें इन्होंने बोला कि जो इंडिया है वो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए कुछ सालों में उसका हब बनने जा रहा है। ये इसके लिए कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं। ओके, तो इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने इनॉग्रेट किया है हाई स्पीड ट्रैक पीथमपुर मध्य प्रदेश में। ये इंदौर के पास में, मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है नेट्रेक्स। ये इंदौर से पीथमपुर में है, इंदौर से 50 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, तो मध्य प्रदेश में है। ओके, नेट्रेक्स इसी का नाम है। अभी हम डिस्कस करते हैं, हाई स्पीड ट्रैक है। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का ट्रैक है। काफी सारी फैसिलिटीज हैं इसमें, ये भी हम डिस्कस करेंगे। नेटफ्लिक्स का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक। हाई स्पीड ट्रैक है, कहाँ पे है, इंदौर में पीथमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, लॉन्गेस्ट सच ट्रैक है एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट है। ओके, वर्ल्ड का फिफ्थ लॉन्गेस्ट है। इवन फिफ्थ लॉन्गेस्ट तो है, बट इसमें चाइना और जापान में जो हाई स्पीड ट्रैक है ना, उनसे ज्यादा फैसिलिटीज है। तो मोर इक्विप्ड देन फैसिलिटीज इन चाइना एंड जापान, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ हाई स्पीड परफॉर्मेंस टेस्ट फॉर टू व्हीलर एंड टू हैवी ट्रैकर ट्रेलर्स। मतलब कि टू व्हीलर से लेके आप किसी भी हैवी व्हीकल के लिए, ट्रक वगैरह, डंपर वगैरह, किसी का भी यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज है, अलग अलग तरह के ट्रैक है, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये है नेटट्रैक। दिस प्रूविंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड स्प्रेड अक्रॉस 2,960 एकर्स एट पीथमपुर इन थार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश इंडिया। नेटट्रैक्स इज अ प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हिच इज सेट अप टू सपोर्ट द ग्रोइंग इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। नेटट्रैक्स ऑफर्स 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट ट्रैक्स। क्लियर है, तो नेटट्रैक्स में क्या क्या चीजें हैं। तो नेटट्रैक्स बिल्ट अंडर NATRIP का है, क्या है इसका फुल फॉर्म, तो नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, NATRIP, नेटट्रिप। क्या है ये, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अंदर इसको बिल्ड किया गया है ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इसी के मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया। ये डेवलप कितने एरिया में किया गया है, तो 1000 acres ऑफ लैंड में इसको डेवलप किया गया है। कितनी इसकी लेंथ है, तो 11.3 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ओके, कर्व पर कितना, ये जो कर्व है, जैसे ये कर्व दिखाई दे रहा है आपको, तो कर्व पर इसकी स्पीड कितनी रख सकते हैं आप, तो 250 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड, मतलब किसी भी व्हीकल की जिसमें इतनी स्पीड है, तो यहाँ पे कर्व तक में जो स्पीड है वो इतनी रखी जा सकती है, 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, न्यूट्रल स्पीड अप टू 250 किलोमीटर पर आवर। ओके, मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकते हैं कर्व पर, तो 375 किलोमीटर पर आवर, ये न्यूट्रल स्पीड है, और जो आपकी मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी रखी जा सकती है, 375 किलोमीटर पर आवर, तो काफी अच्छी स्पीड रखी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें जैसे लंबरगिनी वगैरह है, तो इस तरह की कार वगैरह का भी टेस्ट हो सकता है। अब स्ट्रेट पाथ में कितनी हो सकती है, तो कितनी भी स्पीड हो सकती है, नो मैक्सिमम स्पीड लिमिट। ठीक है, तो स्ट्रेट पाथ में जैसी भी स्पीड जिस भी कार की होगी वो वहां पे उसको कर लिया जाएगा टेस्ट। ओके, इसके अलावा और क्या क्या है इसमें, तो देखिए इसमें ओवल शेप्ड है ये। ठीक है, ओवल शेप्ड है, तो इस तरह का शेप है इसका,
ऐसे ओवल शेप्ड है, 16 मीटर वाइड है और चार इंडिपेंडेंट लेंस है, मतलब कि चार कार की टेस्ट या चार चीजों की टेस्टिंग कर सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, फोर इंडिपेंडेंट लेंस है इसमें। लेस बैंकिंग ऑन ओवल्स, ओवल्स पर लेस बैंकिंग है, मतलब बहुत ज्यादा झुका नहीं हुआ है, इसी वजह से ये सेफेस्ट टेस्ट ट्रैक है ग्लोबली, ठीक है, वन ऑफ द सेफेस्ट टेस्ट ट्रैक ग्लोबली, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम। नेटफ्लिक्स इज वेल कनेक्टेड बाय रेल, रोड एंड एयर, ऑब्वियसली इंदौर में है तो इंदौर से कनेक्टिविटी दिल्ली की, मुंबई की, दुबई वगैरह की इंटरनेशनल फ्लाइट भी चलती है, तो यहाँ पे अच्छी खासी कनेक्टिविटी है तीनों रास्तों से। ओके, फिर नेटफ्लिक्स सेंटर हैज मल्टीपल टेस्ट कैपेबिलिटीज, लाइक इसमें मैक्सिमम स्पीड को टेस्ट कर सकते हैं, ब्रेक परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकते हैं, किसी भी व्हीकल का ब्रेक किस तरह से परफॉर्म कर रहा है उसको टेस्ट कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट फ्यूल कंजम्पशन किस तरह से हो रहा है वो टेस्ट कर सकते हैं, फ्यूल कंजम्पशन, एमिशन टेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी गैसेज वगैरह जो एमिशन टेस्ट करते हैं CO2 वगैरह का वो हो सकता है, हाई स्पीड हैंडलिंग, हाई स्पीड में किस तरह से काफी स्पीड में चला सकते हैं, आप देखा आपने 375, ठीक है, कर्ब्स पर भी स्पीड है ये मैक्सिमम स्पीड, और नॉर्मल अगर हम बात करें तो उस पर तो स्ट्रेट पाथ पे तो कोई स्पीड लिमिट ही नहीं है, ठीक है, एंड ऑल्सो ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग, तो काफी सारी टेस्टिंग हो सकती है यहाँ पे, तो इसकी टेस्टिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन सी टेस्टिंग हो सकती है। यहाँ पे ये नेटफ्लिक्स की साइट है, आप अगर इस पे देखेंगे तो हाई स्पीड ट्रैक ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हाई स्पीड ट्रैक है, ये कर्ब्स पर इस तरह से, इसके अलावा ये डायनेमिक प्लेटफॉर्म है, काफी सारी टेस्टिंग हो सकती है इसमें, ठीक है, तो द 300 मीटर स्टीयरिंग पैड कनेक्टेड बाय, ये आपका पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो डायनेमिक टेस्टिंग हो सकती है इस पे कई तरह की। इसके अलावा ब्रेकिंग टेस्ट है, तो यहाँ पे ब्रेकिंग टेस्ट हो सकता है इस ट्रैक पर। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ग्रेडियंट ट्रैक है, ये देखिए ये आपका ये स्लोप इस तरह से है, ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क टेस्ट हो सकता है, टॉर्क कैपेसिटी। इसके अलावा ये आपको दिख रहा है ये फटीग टेस्ट है, तो मतलब गाड़ी थक जाए तो कम ज्यादा करने, काफी सारे कर्व्स हैं इसमें, ठीक है। ये रोड उस तरह का है जैसे आप गांव वाले एरिया में बात करते हैं, तो इस तरह का रोड है, काफी सारे इस पर पैचेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये टेस्टिंग भी हो सकती है। तो बेसिकली किसी भी व्हीकल की टेस्टिंग के लिए आपको कैसा चाहिए कि किस तरह के पाथ पे किस तरह का परफॉर्म करेगा ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कर्व्स वगैरह पे किस तरह से हिली ट्रैक जो होता है ना, तो उस तरह से कैसे उस पर परफॉर्म करेगा, तो हिल ट्रैक है ये, ठीक है, तो टॉप कैपेसिटी इस पर आप देखी जा सकती है। इसके अलावा हैंडलिंग ट्रैक, तो काफी सारे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो किस तरह से हैंडल किया जाएगा, तो हैंडलिंग ट्रैक वगैरह हो गया ये आपका, ठीक है। सप्लीमेंटेड बाय स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्ट इक्विपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज एंड वर्कशॉप्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग इवेल्युएशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स रेंजिंग फ्रॉम टू व्हीलर्स टू हैवी कमर्शियल ट्रक्स फॉर व्हीकल डायनामिक परफॉर्मेंस ड्यूरेबिलिटी एंड डेवलपमेंट टेस्टिंग बाय द इंडस्ट्री। The special tracks are dynamic platform 1.8 kilometers long, braking track with 6 special surfaces for dry and wet tests, handling track of 3.6 kilometers long, fatigue track with 8 different surfaces, Belgium pave, washboard, potholes and ditches, twist track, comfort track with 19 different surfaces, sustainability track, wet skid pad, two-wheeler handling track and gradient track. It is the culmination of Indian automobile industry's long-awaited aspiration for a truly world-class proving ground. The beauty of Natrak's 11.3 kilometers long oval-shaped high-speed track. Top ranked in Asia and fifth largest in the world, the high-speed track is 16 meters wide with 4 independent lanes. This track is designed for neutral speed up to 250 kilometers per hour and maximum speed up to 375 kilometers per hour on curves and no limit to maximum speed on straight patch. The 0% longitudinal slope makes this track as open-air test laboratory for precise measurement of automotive performance of vehicles. The banking on curves is of parabolic shape designed for maximum speed. The parabolic curves were constructed with special machinery to pave and roll on the curves. The straight portion and banking on curves give tremendous potential to test drive for evaluation of performance, drivability and durability of test vehicles. A large number of tests
like maximum speed, acceleration, coast down, fuel consumption, high speed handling and stability tests, and sustained durability at high speed can be performed on this track to their limits safely and effectively. A sports car was recently tested at 308 km per hour on curves. A wide range of vehicles, from two-wheelers, three-wheelers, cars of all types, buses, trucks to heaviest tractor trailers, can be tested on the high-speed track. अब इसकी facilities आपने देखी ली, कुछ और मैं बताती हूँ। तो जो high-speed test है, is used for measuring the maximum speed capability of high-end cars. जैसे कि लंबरगिनी है, BMW है, Mercedes है, Audi है, तो इनके लिए अभी तक कोई भी ट्रैक नहीं था इंडिया में जो इनको मेजर करें इनकी स्पीड को। तो इनकी काफ़ी अच्छी स्पीड होती है, तो हाई स्पीड जो कार है, हाई स्पीड एंड कार जो है, जैसे कि BMW, Mercedes, Lamborghini, ये सभी हो गए, ठीक है, तो इनकी भी टेस्टिंग यहाँ पे हो जाएगी। ओके, तो एक्सेसिबल टू मोस्ट ऑफ द मेजर जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इसको एक्सेसिबल कर सकते हैं, मतलब उन सभी को ये प्रोवाइड होगा। इंडिया का है तो ये इंडिया के जो होंगे उनको भी होगा, इवन वर्ल्ड के भी हैं उनको भी होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे अब इस तरह का ट्रैक नहीं था, तो हम जो कार इंडिया में, इंडिया के जो मैन्युफैक्चर होते थे, वो बना तो इंडिया में लेते थे, लेकिन उनको फिर टेस्टिंग कहाँ पे करनी होती थी, कहीं बाहर जाके करनी पड़ेगी, ठीक है, तो अब वो इंडिया में ही कर पाएंगे, तो उनके लिए फायदा है। इसके अलावा जो फॉरेन के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, वो भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, कैन यूज इट फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप कार्स फॉर इंडियन कंडीशंस। मतलब कि जैसे फरारी बनाने किसी ने, ठीक है, तो फॉरेन OEMs है, लेकिन वो फॉरेन में तो उन्होंने उसकी टेस्टिंग कर ली, लेकिन इंडिया के रोड्स पे वो किस तरह से चलेगी, इंडिया की कंडीशन, तो इंडिया के लिए उनको अब यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, वहाँ यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, चला के, तो ये फायदा है इनके लिए। ओके, दिस ट्रैक कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर कमर्शियल इवेंट्स लाइक प्रोडक्ट लॉन्च, सुपर कार रेसिंग एंड डीलर्स इवेंट्स। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप मैन्युफैक्चरर्स लाइक Volkswagen, FCA, Peugeot, Renault एंड Lamborghini have showed their interest to use this facility. The high-speed track at Natrax is pride of India in world's automobile industry. अब इसके अलावा और क्या facilities हैं? तो longitudinal slope जो है इसका वो 0% है। ये क्या help करेगा? ये help करेगा in improving the accuracy of measurement of performance of vehicle. तो किसी भी vehicle की जो performance है, measurement of performance, उसमें accuracy आ पाएगी इसकी वजह से, क्योंकि इसमें यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्लोप नहीं होगा, तो एक जैसी है, तो गाड़ी एक जैसी चलेगी, तो इजीली हम उसकी एक्यूरेसी बता पाएंगे। अगर ये स्लोप में जाती है, तो अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो अलग एक्यूरेसी रहेगी, नीचे से ऊपर आ रही है तो अलग एक्यूरेसी रहेगी, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप अगर 0% है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छे से पता चल जाएगी हमें, ठीक है। तो सही इसकी जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो सही आएगा बेसिकली, ठीक है। इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू आत्मनिर्भर भारत अभियान, ऑब्वियसली, ठीक है। अब इंडिया में बन रहा है, तो इंडिया को बाहर, इंडिया की जो कार वगैरह है उनको टेस्ट करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो आत्मनिर्भर भारत में ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, इसके अलावा बाहर से भी आ रहे हैं तो भी ये फायदा है। इसके अलावा इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, कैसे, अब इतनी बड़ी जगह बनाई है तो वहाँ पे लोग जाके शॉप्स वगैरह खोल सकते, तो ये सब चीजें फायदे होंगे, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कम्प्लीट होता है, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा इसको, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।